चलिए इस बीच एक दो जरा मैं टॉप ट्रेड कॉन्फ्रेंस की श्रेणी को देखता हूँ जहाँ पे वॉल्यूम्स इस वक्त काफी अच्छे खासे हैं। जरा प्लीज एक बार टॉप ट्रेड कॉन्फ्रेंस दिखाइए, मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम्स। इसमें अगर आप देखें सबसे ऊपर आइडिया है, नेचुरली अगर आप देखें यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज बहुत टेक्निकली साउंड था लेकिन खुला 200 के नीचे है। एक्सिस बैंक स्ट्राइक करता हुआ और अब 538 के स्तर पर, रिलायंस कम्युनिकेशन, आलोक इंडस्ट्रीज और क्रॉम्पटन ग्रीव्स अगर आप देखें 75 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। एनएमडीसी, डीएलएफ, टाटा मोटर्स, ये कुछ और काउंटर जहां पर इस वक्त थोड़ी सी स्ट्रेंथ जा रही है। चलिए इस बीच हमारे साथ मिस्टर आर शिवशंकर जुड़े हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज प्रभुदास निरधर के। शिवशंकर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर अर्निंग सीजन आपके लास्ट डिस्कशन जब हमारे साथ हुए थे तो चल ही रहा था, अब वो पूरा हो चुका है। अर्निंग सीजन को देखने के बाद और दो चीज़ों को देखने के बाद, आई मीन जो बाजार के आगे खड़ी हैं, एक अच्छा मानसून एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सेफ पैसेज फॉर जीएसटी, क्या लगता है आपको बाजार से यहाँ पर, यहाँ से आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव, यहाँ से 2-3% 4% का मूव या फिर एटलीस्ट बाजार इसी रेंज में रहेगा? देखिए बाजार एक्सपेक्टिंग गुड मानसून एज ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाय द शार्प मूवमेंट इन स्टॉक प्राइसेस। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप ये देख लीजिए, अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विच हैज गॉट मानसून इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस, लाइक ऑल फर्टिलाइजर कंपनीज, एग्रोकेमिकल कंपनीज एंड लॉट ऑफ दोज कंपनीज हैव आल्सो एक्चुअली हैव परफॉर्म प्रेटी वेल बिकॉज यू एक्सपेक्ट अ गुड मानसून। The third is, now market I don't think will run off from here. Market probably will watch how these things will pan out in terms of the monsoon and so on and so forth. Gee. And after that only probably you'll see a grab trade from here because it is already discounted to a great extent. So I think it must be more or less in a 2-3% upside probably we'll see. Already at around, I don't see it's going beyond 8,400 or anything near term. जी, इस बीच आप देखिए हीरो मोटो कॉर्प को अच्छी मजबूती स्टॉक में आज रिफ्लेक्ट हो रही है और दिन के उच्चतम स्तरों पर ही नहीं अपने फ्रेश 52 वीक हाईस पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1.5% का इजाफा लेकर 3186 के लेवल पर। हाल ही की जो मई मंथ की जो सेल्स फिगर्स आई थी वो थोड़ी सी म्यूटेड जरूर रही थी लेकिन स्टॉक में एक अच्छा मूव आया है। श्री, आपकी अप्रोच क्या है हीरो मोटो कॉर्प पर? इस मंथ की सेल्स फिगर भले ही म्यूटेड रही हो लेकिन उससे पहले की परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी। मॉनसून एक ट्रिगर है ही हीरो मोटो जैसी कंपनीज के लिए, तो क्या जो स्ट्रेच मिल रहा है आज के सेशन में वो नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म में आप स्ट्रेच होता हुआ देख रहे हैं? और भी आप ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा देख लीजिए, इन द फोर्थ क्वार्टर परफॉर्मेंस महिंद्रा थोड़ा डिसअपॉइंट किया और टीवीएस सेल्स अच्छा था बट मार्जिन में डिसअपॉइंट किया। ना अदर देन दैट इट इज जनरली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस फॉर मोस्ट कंपनीज। सो ना हीरो मोटर का भी बिकॉज इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ रूरल फोकस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट गुड मानसून शुड रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उसके लिए तो द आउट परफॉर्मेंस एट हीरो मोटर कॉर्प एज हैड इज at this level. Our analyst believes and we believe as a result of it that from here it is fairly discounted for the upside that you will see from a good monsoon pick up in the rural demand etc. जी, इसमें एक स्टॉक और देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस है, वो है प्रिकॉल का। कल भी 15% की बढ़त लेकर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, क्लोज हुआ था इनफैक्ट, और आज भी 5.5% ऊपर है। आशीष, लास्ट कमेंट होंगे आपसे, प्रिकॉल पर आपकी राय क्या है मौजूदा लेवल्स पर और कोई ट्रेड जो आपको मार्केट ओपनिंग के बाद समझ में आ रहा है? देखिए प्रिकॉल के अंदर में ऑल टाइम हाई के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिल रहे हैं, तो जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं उसके अंदर में एक बड़ा अपसाइड देखने को मिलते हैं। मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर से स्टॉक 80-85 के लेवल्स शॉर्ट टर्म के अंदर में दिखा दें। जहाँ तक के रिस्क की बात है, मैं समझता हूँ 64-63 के एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजिशन रखी जा सकती है। फ्रेश ट्रेड की बात होगी तो मैं समझता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, इस स्टॉक के अंदर में 1330 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर में कम से कम 100 रुपए का अपसाइड नेक्स्ट 3-5 दिनों के अंदर हमें देखने को मिल सकता है।